Hi guys, welcome back to my YouTube channel Smile Squad. It's Anjali here. और आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है. मैं बहुत बिजी होती हूँ तो फिर आज मुझे लगा कि मुझे व्लॉग बना देना चाहिए क्योंकि आज मेरे रूम पर आए कुछ स्पेशल लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाने वाली हूँ. सो गाइज, मैं मिलवाती हूँ आपको स्पेशल और इम्पॉर्टेंट पर्सन से जो आज मेरे रूम आया है. कि लोग अभी पहुंचे जस्ट अराउंड 7 or 8. तो शी इज द वन. हेलो रिशुदी. हाय. से हाय. और ये है मेरे प्यारे बचपन के दोस्त, पड़ोसी और मेरे क्लासमेट, है ना. यस. सो ये मुझे इतने टाइम बाद मिल रहे हैं. शिमला में रहते हो भी, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम? दशहरे पे मिले थे यार. आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? ऐसे चलते फिरते. हाँ, तो आज अच्छे से आज ही मिल रहे हैं और हम बचपन के दोस्त हैं. अराउंड हमारी फ्रेंडशिप को हो गया कितना टाइम, अराउंड 20 years ना. हम बचपन से दोस्त हैं और हाई फाई. ओके, तो आज हम बहुत मजे करने वाले हैं. ये बहुत मजेदार होने वाला है शायद. और एक और भी है, वो भी हमारे बचपन के दोस्त है, उन्हें भी मिलवाती हूँ. उन्हें थोड़ा तैयार होने में टाइम लग रहा है अभी, दैट्स व्हाई. शैली दी. से हाय शैली दी. हाय. ये है वो दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन जो आज हमारे रूम आए हैं और ये भी मेरे बचपन के दोस्त, पड़ोसी, क्लासमेट थे ना शैली दी. क्लासमेट बिल्कुल. और ये भी मुझे कितने टाइम बाद मिल रहा है, पता नहीं काफी सालों बाद मिल रहा है शायद. कितने टाइम बाद मिल रहे हो शैली दी आप मुझे? महीनों बाद. स्क्रिप्ट भूल गई. तो आप मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरे थोड़े से व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? इसकी मैसेज देखो, शेयर करो. और क्या सिखाया था मैंने? सब्सक्राइब करो इसका चैनल. यस गाइस, एग्जैक्टली. एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ये दोनों बहनें हैं और मेरी बचपन की दोस्त है. दोनों को एक साथ दिखाना जरूरी था. तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? थोड़ी मेरी तारीफ भी कर लो जरा. हम देखो फेक तारीफ तो नहीं करते. ओके. अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. बहुत टाइम बाद मिले हैं एक्चुअली हम. ओके. और कुछ कहना चाहोगे आप मेरे बारे में? आपके बारे में नहीं कहना चाहेंगे, ऑफकोर्स आपके ब्लॉग के बारे में कहना चाहेंगे. इस लड़की का चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और डू फॉलो. व्हाट क्या आपके चैनल का नाम? अंजलि स्माइल स्क्वाड. ऐसे दोस्त हर किसी को मिले यार. तो नहीं, मैं एक्चुअली मैंने किया है. रोज का ब्लॉग देखती हूँ बट नाम डिफिकल्ट है. हाँ, थोड़ा सा नाम याद नहीं आता. व्हाट इज डिफिकल्ट इन इट? इट्स अंजलि स्माइल स्क्वाड. अंजलि बहुत डिफिकल्ट है. अंजलि स्माइल स्क्वाड सबसे डिफिकल्ट. फॉलो करो. इंडियन नेम है अंजलि. आपको डिफिकल्ट कैसे लग रहा है दीदी? मैं तेरी क्लास में नहीं थी दीदी. कब होगी? ताने वाला दीदी. आई सी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अंजलि स्क्वेयर स्क्वाड. इट्स अंजलि स्माइल. सॉरी, स्माइल स्क्वाड. कैसे लोग हैं यार. और गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं. यहाँ पर बैठे और मेरे साथ एक और प्यारी सी छोटी बच्ची भी है. से आई बलि का बकरा. वो पढ़ने आई है. थोड़ा सा हेलो बोलो. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. ये मेरी पड़ोसी है. हेलो. ओके. और ये है साक्षी, से आप जानती होगी. वो ठूस रही है यहाँ पर अकेले अकेले. ज्यादा नहीं. ओके. एंड एक इंट्रोवर्ट इंसान भी है यहाँ पर, उसे तो आप जानते ही होगी. शी इज गुड्स. मेरी प्यारी बहन जो कि मेरे व्लॉग में नहीं आना चाह रही है बट फिर भी मैं इसे जबरदस्ती लाऊंगी. गुड्स चेहरे को तो आप जानते ही हो. शी इज गुड्स. मेरी प्यारी बहन है. शी इज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, दैट्स व्हाई वो जबरदस्ती आ रही होती है मेरे व्लॉग्स में. ओके, बस हो गया. और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं महफिलों में थोड़ी बहुत, ये देखो. और यहाँ पर साक्षी ने सेब काटा है, कुछ तो किया है इतने मुश्किल से. और हम इन्हें थोड़ा थोड़ा आपको खाना भी बनाना है. ओके. एंड आई हैव टू कुक फॉर इन सब के लिए बनाना है मुझे एक्चुअली. हाँ, स्पेशल गेस्ट. तो आज मैं बनाने क्लासमेट्स. हाँ, बचपन के क्लासमेट्स. और मैं इन सब के लिए बनाने वाली हूँ आज राजमा. सो लेट्स गो.
गाइस मैं इनके लिए राजमा बनाने का सोच रही थी इतने प्यार से, और ये कह रही कि सस्ते में निपटा रही है राजमा से, और क्या, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, यू नो पहाड़ी का जो खाना है, डिश है वो राजमा ही। यस एग्जैक्टली, आई अप्रिशिएट यू, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, थके नहीं अब खाने, सॉरी टू से बट मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बिरयानी, आई एम प्योर वेजिटेरियन, आपको पता तो है, वेज बिरयानी भी होती है मैम। ये पीछे एग किसने खाया था, इसने खाया था एग, वो एग्जिट, यू नो तुमने इसकी लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट पता नहीं कौन सा व्लॉगिंग था, उसमें इसने ऑमलेट बनाया था याद है? तो यार मैं एग्जिटेरियन हूँ, नॉन वेज थोड़ी खाती हूँ, और वो वैसे भी वेज बिरयानी, पता है क्या इसने बना दिया है, ये एक एग्जिटेरियन है वर्ड, इसने पता कैसे खाया था, जैसे मैंने बोला इनकी खा, तो मिलते हैं आपको गाइस, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अंजलि स्माइल स्क्वाड, अभी सही बोला लास्ट। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में कुकिंग करने के लिए, और इन लोगों की अपनी गप्पे चल रही है, और शैली भी मुझे देखना चाह रही है कि मैं क्या और कैसे बनाने वाली हूँ। सस्ते में तो निपटा रही है, देखते हैं कैसे। नहीं, शी इज एक्सपेक्टिंग बिरयानी, आई डोंट इवन नो हाउ टू कुक बिरयानी, या मेरे को राजमा चावल बड़ी मुश्किल से बना रहे आ रहे, यू शुड थैंक्स मी इवन, खाना मुझे आता है बनाना, तो मुझे मिले, आपको बनाना आता है, झूठे, तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है बिरयानी, ओहो। सो गाइज आई एम गोइंग टू कुक, और शैली दी करने वाले व्लॉगिंग, मैं बनाने वाली हूँ खाना इनके लिए, तो मिलते आप आगे। सो आई एम डन विद कुकिंग, दिखाओ थोड़ा सा, ये बन रही है मेरी राजमा, और अब हम इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे, और फिर इन लोगों से रिव्यूज भी लेंगे कि मैंने कैसी राजमा बनाई थी। इसकी रेडी है हमारे राजमा चावल बिल्कुल खाने के लिए, पूछते हैं इनसे कैसे बने। Hey guys, welcome back. So we are done with dinner and अब मुझे चाहिए रिव्यूज जो मैंने खाना बनाया था उसके। So how was राजमा? अच्छी बनाई थी, सच बताना है, काफी अच्छा लगा, ये अच्छी बनाई थी, लिटरली मजाक नहीं कर रही हूँ। ओहो, रेटिंग्स आउट ऑफ 5, आई थिंक 3.5, बाकी के तुम कुछ भूल गई थी उसमें डालना, ओ ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। ओके, सो गाइज मिलते हैं आपको आगे। तो गाइज अभी चल रही है हम लोगों की यहाँ पर बहुत सारी गप्पे मस्ती, और ये अभी शक्ल दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है, छुप चुके हैं क्योंकि शायद मेकअप उतर गया होगा लोगों का। गुड मॉर्निंग, और ये हो चुकी है हमारी सुबह, गुड़िया दी निकल भी चुके हैं, वो 7 ही बजे जा चुके हैं, उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो चले गए, उन्हें जाना था सिंजौल, तो अब हम ही है यहाँ पर, अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर हम लोग भी बहुत बिजी है तो निकल लेते हैं अपने अपने काम से। वी आर डन विद ब्रेकफास्ट एंड ऑल, और हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, सभी को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही, और ये लोग भी रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलने वाले हैं रूम से, दिखाती हूँ मैं आपको इन लोगों को। हेलो, चले बिल्कुल गुड्स, बाय बाय बोल दो, चलो बाय। ओके, तो अब हम चलते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गई, चलो जल्दी हो गया तुम्हारा मेकअप। हम चल पड़े हैं रास्ते में, मुझे जाना है स्कूल, और ये पीछे आ रहे हैं ये लोग, इन्हें जाना है घर, और एक को जाना है IGMC, तो हम लोग लेट हो चुके हैं। सो गाइस वो लोग तो जा चुके हैं, और मैं जा रही हूँ अब स्कूल अकेले, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, मैं यहाँ भागते भागते जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड पहुँचने वाली हूँ भराड़ी, यहाँ पे शायद मैचेस चले हुए हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। सो गाइज यहाँ पर चल रहा है मैच, शायद स्कूल का है, हाँ, और मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो आपको आगे मिलते हैं।
हे हाय वेलकम बैक अगेन। सो सुबह तो मुझे लेट हो रहा था तो मैं भागी भागी स्कूल पहुंची और स्कूल में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं वीडियो की एंडिंग करूं या फिर कुछ भी ब्लॉग बनाऊं। बहुत बिजी थे आज हम लोग। उफ्स, तो अभी छुट्टी हुई है और हम जा रहे हैं वापसी। हम नहीं, मतलब मैं अकेले जा रही हूँ मैं जंगलों से वापस। तो मुझे लगा अभी साथ में थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और साथ में वीडियो की एंडिंग भी कर देती हूँ। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था वैसे ऑल ओवर, और मुझे शैली दी, गुड़िया दी से मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं उनसे बहुत टाइम बाद मिली और फिर चले गए वो लोग भी। आज तो कोई भी नहीं होगा रूम पे, हम भी होंगे। और शिमला में बहुत ठंड हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का थोड़ा सा कोहरा। चलते चलते रास्ते से व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये रहा शिमला का कोहरा और यहाँ की ठंड जो कि आ चुकी है। कुछ ही दिनों बाद बर्फ भी आ जाएगी ऐसा फील आ रहा है, इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। और आपको जल्द ही मिलेगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।